वेलकम बैक टू जॉय शेविंग चैनल दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और हमने रिसेंटली रिव्यू किया पर्ल शेविंग K2 लॉन्ग हैंडल, शॉर्ट हैंडल और टेक्निकल डिटेल्स। वीडियो आपने नहीं देखे तो मैं टॉप में लिंक दे दूंगा, जरूर देखिए। आज हम करेंगे कुछ डिफरेंट, हम कंपेयर करेंगे पर्ल शेविंग K2 को लॉन्ग हैंडल के साथ में बॉम्बे शेविंग कंपनी के रेजर के साथ में। ओके, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये दोनों रेजर सिमिलर दिख रहे हैं, तो चेक कर लेते हैं कि इनका परफॉर्मेंस भी सिमिलर है क्या। आइए इसी क्वेश्चन को आज आंसर करने की कोशिश करते हैं। लेट्स बिगिन द शेव। ऑलराइट, सो इन दोनों रेजर्स में लोड कर ली है मैंने फ्रेश फेदर ब्लेड। ओके, दोनों रेजर्स में। अब इसके दो रीजन है दोस्तों। पहला ये कि हमको पता है कि बॉम्बे शेविंग कंपनी का रेजर जो है वो विच इटसेल्फ इज अ माइल्ड रेजर, एग्रेसिव क्लैंप पे भी मेरे लिए वो काफी माइल्ड रेजर ही है। ओके, एंड वो फेदर ब्लेड के साथ में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ये हमने देखा हुआ वीडियो में। आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए। तो ये पहला रीजन है। सेकेंड रीजन ये है कि हमें एक सजेशन मिला था कॉमेंट्स में कि यूज द पर्ल शेविंग K2 विथ शार्पर ब्लेड लाइक फेदर और बिक्रोम प्लेटिनम। सो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए टेस्ट करने का कि ये पर्ल शेविंग K2 फेदर ब्लेड के साथ में कैसे परफॉर्म करता है। तो आइए लादरिंग शुरू कर लेते हैं। आज मैं यूज कर रहा हूँ बॉम्बे शेविंग कंपनी का फर्स्ट वर्जन शेविंग क्रीम एंड ब्रश जो है वो जॉय एडिशन फ्रॉम द हाउस ऑफ रुबाबमैन। ओके, लगभग जो है वो इतना शेविंग क्रीम यूज कर रहा हूं मैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो और ले लेंगे, बट लेट्स सी जरूरत पड़ती है क्या। एक्स्ट्रा पानी जो है वो मैंने ब्रश से निकाल दिया, चेहरे को कर लेता हूं मैं थोड़ा सा पानी से मॉइस्ट और थोड़ा सा स्प्रेड कर लेता हूं शेविंग क्रीम इक्वली पूरे एरिया में जहां मुझे शेव करना है। ओके, एंड फिर लादरिंग हमारी शुरू कर लेते हैं। बॉम्बे शेविंग कंपनी के शेविंग क्रीम्स वन ऑफ द गुड शेविंग क्रीम्स। कलोन जैसी खुशबू है, कैन नॉट कॉल दिस एग्जैक्टली एक्वाटिक बट कुछ सिमिलर फ्रेग्रेंस ही है उसका। वेरी नाइस फॉर ऑल ईयर राउंड, समर्स में तो खास करके बहुत अच्छा लगता है यूज करना। एंड इसका पोस्ट शेव बाम भी मुझे तो अच्छा लगता है। इट इज मोर लाइक अ सेरम जो हम देखेंगे आफ्टर शेव सेक्शन में आज, बट या इट इज गुड शेविंग क्रीम में उसका फ्रेग्रेंस भी सेम ही है। ओके, तो फर्स्ट प्रेप कर लिया हमने, थोड़ा सा डिप कर लेता हूँ ब्रिसल्स को पानी में एंड देन लादरिंग हम कर लेते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, तो पार्डन मी फॉर दैट। नाइस लादर, कूलिंग इफेक्ट थोड़ा सा शेविंग क्रीम में है। नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस वाला पानी यूज किया है लादर बिल्ड करने में एंड दिस इज नॉट सुपर डुपर वॉल्यूमिनस लादर, बट जितनी बियर्ड ग्रोथ है अबाउट 2 डेज उसके हिसाब से ये सही है। अगर हम इसमें स्वर्लिंग मोशंस करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे, विप अप करते जाएंगे, स्वर्लिंग करते जाएंगे, तो वो लादर का वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। ओके, कूलिंग इफेक्ट थोड़ा सा अब महसूस हो रहा है ज्यादा इस शेविंग क्रीम में, जितना ये चेहरे पे स्टे कर रहा है उस हिसाब से। वैसे तो दोस्तों अगर आप पेंटिंग मोशन भी करते हो तो भी इसका वॉल्यूम बढ़ते जाएगा जैसे आप देख सकते हो, लेकिन फिर उसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या बोल लादरिंग वगैरह करते हो तो उस केस में पेंटिंग मोशंस आर मोर इफेक्टिव रादर देन स्वर्लिंग मोशंस, आपको ट्राई जरूर करके देखना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप रेगुलरली शेव करते हो, मतलब रोज करते हो, एक दिन छोड़ के करते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्वर्लिंग मोशंस करने की बजाय बोल लादरिंग कीजिए और पेंटिंग मोशन से लादर लगाइए, आपके लिए वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा बिकॉज यू डोंट नीड दैट एक्सफोलिएशन एवरी डे। एंड एवरी डे एक्सफोलिएशन इज नॉट सजेस्टेड एज वेल बिकॉज वो स्किन की टॉप लेयर जो है डेड स्किन्स वगैरह के साथ में थोड़ा सा
स्क्रेप आउट करता है, सो दैट इज नॉट सजेस्टेड. ओके, लादरिंग हमारी हो गई है. आज कोई फास्ट मोशन में लादरिंग नहीं की. एंड देन लेट्स गिव बॉम्बे शेविंग कंपनी अ चांस टू शेव द राइट साइड ऑफ द फेस, बिकॉज काफी दिनों बाद यूज कर रहे हैं. के टू तो हम यूज कर ही रहे हैं. चलिए फर्स्ट पास विद द ग्रेन. यस, एज आई हैव ऑलवेज एक्सपीरियंस विद द बॉम्बे शेविंग कंपनी रेजर, दिस परफॉर्म्स गुड विथ फेदर ब्लेड्स एंड इट इज वेरी गुड फॉर रेगुलर शेविंग. डेली शेविंग के लिए बॉम्बे शेविंग कंपनी का रेजर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है. आई मीन इफ आई वुड हैव शेव डेली, मतलब मैं रोज एक दिन की ग्रोथ पे शेव कर रहा होता वन पास विद द ग्रेन, आई वुड हैव हैप्पीली यू नो स्टॉप्ड ऑन दिस रेजर. या इसमें सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि इसका हैंडल इतना ज्यादा स्मूथ है कि कभी कभी अगर आपके हाथ गीले हो या लादर वगैरह लगा हुआ हो या सोप लगा हुआ हो तो थोड़ा सा स्लिप कर सकता है. उस केस में आप जो अपना एलम होता है फिट कर ही उसमें थोड़ा सा गीले हाथों को रगड़ के और फिर ग्रिप कीजिए तो फिर आपकी ग्रिप अच्छी टाइट बनेगी. चलिए लेफ्ट साइड पे पर्ल शेविंग K2 लॉन्ग हैंडल के साथ में 10 सेंटीमीटर का ये हैंडल है. इसमें एक एडवांटेज ये है डिजाइन के कारण कि ये स्लिपरी नहीं है. यहां पे पर्ल का जो है यहां पे टेक्स्ट भी एनग्रेव्ड है और यहां पे डिजाइन बना हुआ है जिसके कारण इसकी ग्रिप थोड़ी ज्यादा अच्छी बनती है एज कंपेयर टू द बॉम्बे शेविंग कंपनी रेजर. लेट शेव इट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फेस. देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस, दे बोथ आर नॉट सेम. सो लुक्स डोंट मैटर दोस्तों. अगर आपको लग रहा है कि ये दोनों रेजर जो है वो एक जैसे दिखते हैं तो नहीं, इनके डिजाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है. वैसे दोनों में ही ओवर हैंग नहीं है. इसका हेड थोड़ा ज्यादा ब्रॉड है, इसका थोड़ा कम है एज यू कैन सी. एंड बताता हूं मैं आपको सेकेंड पास के बाद में जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंस बताता हूं, बट आई कुड फील दैट राइट नाउ ऑन माई फेस. पर्ल शेविंग K2 इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन फॉर रेगुलर शेविंग. इट्स अ माइल्ड रेजर, 2.5 out of 10 मेरा असेसमेंट है, मेरा पर्सनल असेसमेंट है इसके एग्रेसिवनेस का या माइल्डनेस का. एंड उसके हिसाब से मैं ये समझता हूं कि ये रेगुलर डेली शेविंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है. ओके, वापस से बॉम्बे शेविंग कंपनी, थोड़ा इधर. अगेन चीन एरिया में मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरी बियर्ड थोड़ी घनी आती है ज्यादा, तो एक ही बार में एक ही स्ट्रोक में पूरा क्लियर नहीं होता माइल्ड रेजर से. इट इज नॉट ड्राइंग, ये शेविंग क्रीम ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं है. अगर मैं मॉइस्ट हाथों से चेक करता हूं, गिली उंगली से चेक करता हूं, तो एक सफिशियंट स्लिकनेस मुझे फील होती है. नाउ दिस स्लिकनेस आई मे नॉट कंपेयर दिस टू एनी गुड शेविंग सोप लाइक शेवालोजिस्ट और एरियाना एंड इवांस, वैसा तो नहीं है, बट या इट इज देयर, इट इज देयर जस्ट इनफ टू हेल्प यू कैरी आउट अ गुड शेव. इतना एरिया K2 के साथ में. ओके, यहां पे भी एक डिफरेंस फील हुआ मुझे K2 और बॉम्बे शेविंग कंपनी रेजर में, खास करके चीन एरिया में. ओके, चलिए सेकंड पास के लिए लादरिंग कर लेते हैं और फिर एक सेकंड पास भी कर ही लेते हैं. अगेन थोड़ा सा चेहरा मॉइस्ट कर लिया, जितना शेविंग क्रीम का लादर ब्रश में बचा हुआ है उतना ही हम अप्लाई कर रहे हैं. अभी तक तो हमें नया शेविंग क्रीम लेने की जरूरत नहीं पड़ी एंड आई थिंक दिस शुड बी सफिशियंट फॉर पास नंबर 2 एज वेल. ओके गुड, गुड, दैट्स गुड. इसको मैं अभी थोड़ा सा पानी ऐड करके अगर स्वर्लिंग मोशंस करूंगा या बहुत देर तक पेंटिंग मोशंस करते रहूंगा तो इसका भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बट उसकी जरूरत नहीं है यार. मतलब जो मॉइस्चर ऑलरेडी आ चुका है उतना आ चुका है एंड दैट इज गुड इनफ. चलिए कर लेते हैं अक्रॉस द ग्रोथ. ओके, बॉम्बे शेविंग कंपनी रेजर से ऑन राइट साइड ऑफ द फेस. दिस रेजर इज ऑल्सो वेरी स्मूथ.
और फेदर के साथ में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है ये बॉम्बे शेविंग कंपनी का रेजर। आई विल कैटेगराइज दिस रेजर एज अ मोर स्मूदर ऑप्शन, ओके, एंड यप, डेली शेव्स के लिए इट इज अ गुड ऑप्शन, रियली गुड ऑप्शन। पेयर्स वेरी वेरी वेल विथ फेदर ब्लेड। जैसे फेदर पॉपुलर रेजर है वो कितना बढ़िया काम करता है फेदर ब्लेड के साथ में, उसी प्रकार से बॉम्बे शेविंग कंपनी का रेजर भी फेदर के साथ में बहुत अच्छा काम करता है। एंड एग्रेसिव क्लैम जो है इसका, वो मेरे लिए तो माइल्ड ही है। मैं इसका एग्रेसिवनेस कितना समझूंगा, अभी तक जो मैंने रेजर्स यूज किए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से अब मैं रिलेटिवली अगर मेजर करने की कोशिश करूं तो इसका एग्रेसिवनेस इज अबाउट 2 out of 10। और 2 out of 10 वो इसलिए बिकॉज इट इज स्लाइटली स्मूदर। इसमें एज का डिजाइन, इसमें जो बेस प्लेट का डिजाइन है वो थोड़ा डिफरेंट है, बट एक्चुअली देखा जाए ना तो इनके बेस प्लेट और एज का जो पूरा डिजाइन और पूरा जो लेआउट है वो काफी सिमिलर दिख रहा है, बट देर इज अ डिफरेंस, आई कैन सी दैट डिफरेंस एज वेल, बताता हूं मैं आपको। थोड़ा सा आप सबर रखिए। लेट्स शेव लेफ्ट साइड ऑफ द फेस विथ K2। या देर इज अ डिफरेंस। There is a difference. दिखने में सिमिलर हो तो भी वो सिमिलर परफॉर्म करेंगे या सेम परफॉर्म करेंगे ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। एंड मेरे लिए तो ये पॉइंट काफी बार प्रूव हो चुका है और इन दोनों रेजर्स के कंपेरिजन से भी ये पॉइंट मेरे लिए और ज्यादा एसर्टन हो चुका है। ओके, 2 passes done, very nice, presentable shave. एक दिन के हिसाब से और कितनी क्लीन शेव चाहिए यार, अब क्या बाल ही उखाड़ दूं क्या? ऑलराइट, चलिए रिंस कर लेते हैं और फिर आफ्टर शेव सेक्शन में चलते हैं। ऑलराइट, सो बोथ साइड्स शेव्ड वेल, ओके, एंड पोस्ट शेव अप्लाई कर लेते हैं थोड़ा। इस प्रकार का कुछ दिखता है ये बॉम्बे शेविंग कंपनी का ओरिजिनल पोस्ट शेव बाम। अभी तो कुछ और आफ्टर शेव भी आ गए हैं बॉम्बे शेविंग कंपनी से, फिटकरी वाला एक आया, मैंने ट्राई किया, मुझे ओके टाइप लगा, जेल कंसिस्टेंसी का है, बट आई लाइक दिस वन बेटर, ये मेरे को काफी अच्छा लगता है। एंड इट इज लाइक जेलिश ही है ये भी, इट इज अ बिट डिफरेंट, इट्स लाइक अ सेरम। और दोस्तों आने वाले वीडियोस में एक सीक्रेट प्री शेव सेरम के बारे में भी बात करूंगा मैं, आप जरूर फॉलो कीजिएगा, ओके। तो या इट डज हैव अ सटल कूलिंग इफेक्ट एंड अ वेरी गुड कलोन लाइक सेंट, ओके, इट मॉइस्चराइजेस वेल एंड दैट मॉइस्चर स्टेज ऑन द स्किन फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी टाइम तक आपकी स्किन जो है सपल और मॉइस्चराइज आपको लगेगी। ओके, सो नाउ द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, कि क्या बॉम्बे शेविंग कंपनी रेजर जैसा ही पर्ल शेविंग K2 है? द आंसर इज नो एंड द आंसर इज येस। नाउ द आंसर इज नो बिकॉज ऑल सेड एंड डन 2 passes किए हमने विथ अक्रॉस एंड नेक पे वापस विथ, आई फेल्ट द बॉम्बे शेविंग कंपनी रेजर एज स्मूथ, ओके, नो डाउट दिस इज अ गुड रेजर। सिर्फ एक ड्रॉबैक मुझे इसमें लगता है कि इसमें ग्रिप थोड़ा सा मिसिंग है, इफ दैट कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड दिस वुड बी अ वेरी मार्वलस रेजर। वो अभी भी है, फेदर ब्लेड्स के साथ में बहुत अच्छी परफॉर्म करती है बॉम्बे शेविंग कंपनी की रेजर, एंड अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर डेली शेविंग और लाइक 2 days वगैरह की शेविंग। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना था मेरे पहले के वीडियोस के कमेंट्स में कि दिस इज एन इनइफेक्टिव रेजर, इसमें एफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं है, एज बिल्कुल फील नहीं होता, एंड जिन लोगों की दाढ़ी कड़क है, जिन लोगों के बाल थोड़े मोटे आते हैं, दे फील अ बिट चैलेंज्ड विद दिस रेजर, उनको ये रेजर इतना इफेक्टिव लगता नहीं है। ओके, सो दैट फीडबैक बीइंग सेड, कमिंग टू पर्ल शेविंग K2, इसका हेड डिजाइन, टॉप कैप का डिजाइन अगर देखा जाए तो काफी डिफरेंस है, विड्थ में काफी डिफरेंस है, ओके, K2 का जो विड्थ है वो ज्यादा है, दोनों में ही ओवरहैंग नहीं है रेजर्स में,
लेकिन अगर आप इन दोनों का ये एज और जो बेस बार है इन दोनों को देखें तो इसमें आपको थोड़ी सी सिमिलैरिटी लगेगी। एंड दैट्स वेयर जो इसकी माइल्डनेस है K2 की दैट कम्स इनटू पिक्चर कि दिस इज अ माइल्ड रेजर। 2.5 out of 10 की माइल्डनेस या एग्रेसिवनेस मुझे इसमें रखती है, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इसमें ब्लेड का एज आपको हल्का सा फील होता है। सो दिस विल बी अ वेरी एफिशियंट एंड वेरी इफेक्टिव रेजर फॉर दोज जिनकी दाढ़ी कड़क आती है, डेली शेविंग के कारण या रेगुलर शेविंग के कारण, एंड दे फील कि उनको स्मूथ रेजर से ज्यादा थोड़े एफिशियंट रेजर्स पसंद होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गेम चेंजर रेजर और गेम चेंजर जो रेजर है वो थोड़ा एफिशियंट है, लूपो थोड़ा एफिशियंट है। उसी हिसाब से इसका जो एज और बेस बार का जो ज्योमेट्री है मुझे ऐसा लगता है कि दिस कॉल्स फॉर अ मोर यू नो एफिशिएंसी प्रोन शेव जिनको पसंद है वो डेफिनेटली ये कर सकते हैं। नाउ आई वुड बी वेरी हैप्पी यू नो विद द पर्ल शेविंग K2 विद सम अदर ब्लेड्स ऑल्सो जैसे 7 o'clock सुपर प्लैटिनम, बिकॉज ओवरऑल मुझे तो थोड़ा सा स्मूथ शेव्स पसंद है। सो आई पर्सनली मे नॉट नीड दैट यू नो एफिशियंसी एंड फेदर का शार्पनेस एट द सेम टाइम, बट शेव मैंने किया, आई हैड नो कंप्लेन्ट्स। मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से मैंने शेव किया, अक्रॉस भी किया, कुछ ऐसा ऑब्जेक्शनेबल या कुछ ऐसा प्रॉब्लमेटिक मुझे नहीं लगा, एक्सेप्ट दैट आई फेल्ट मोर एफिशिएंसी देन आई नीडेड। तो ये कंपैरिजन है दोस्तों बॉम्बे शेविंग कंपनी रेजर का एंड पर्ल शेविंग K2 का। दोनों का अपने अपने जो है वो प्लस और माइनस है। बोथ आर गुड रेजर्स, पर्ल शेविंग K2 इज अ मोर एफिशियंट रेजर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, वाइल बॉम्बे शेविंग कंपनी इज अ मोर स्मूथ रेजर, बोथ परफॉर्म गुड विथ शार्प ब्लेड्स। और इन दोनों के यूज केसेस भी मैंने आपको बता दिए। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे दोस्तों, कीप अप द गुड शेव्स, बाय बाय एंड नमस्कार, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।